पहले के समय में फिल्मों में काफी रेप सीन शूट हुआ करते थे। हर फिल्मों की कहानी ज्यादातर ऐसी ही होती थी कि विलन हीरो की बहन का रेप कर देता था और फिर हीरो उसका बदला लेता था। पर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस को जिसने फिल्मों में सबसे ज्यादा रेप सीन शूट कर चुकी है? तो आइए आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं जिसका पहले पर्दे पर सबसे ज्यादा बार रेप हुआ है। आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है नाजिमा और वे बॉलीवुड की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में भी जानी जाती है। अभिनेत्री नाजिमा ने लगभग 30 फिल्मों में काम किया है। 1972 में फिल्म बेईमान में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इस एक्ट्रेस का फिल्मी करियर काफी शानदार रहा, लेकिन महज 27 साल की उम्र में ही कैंसर की वजह से एक्ट्रेस की मौत हो गई थी। अभिनेत्री नाजिमा बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बेहतरीन एक्टर भी थी। नाजिमा अपनी फिल्मों में ज्यादातर हीरो की बहन का रोल निभाया करती थी या फिर किसी हीरोइन की सहेली, इस वजह से उन्हें इंडस्ट्री में बॉलीवुड की बहन कहा जाता था। नाजिमा अपनी कामयाबी से खुश तो थी, लेकिन उसके मन में एक बात खटकती थी कि डायरेक्टर ने उन्हें लीड रोल में क्यों नहीं लिया। वैसे नाजिमा को बनना तो हीरोइन था, लेकिन वे बहन बन गई।